लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीबी न्यूज में आपका स्वागत है। न्यूजीलैंड के 50 ओवर के घरेलू टूर्नामेंट में बुधवार को एक अजीब घटना हुई। इसमें भारतीय मूल के बैट्समैन जीत रावल ने जोरदार शॉट मारा और गेंद बॉलर के सिर से टकराकर सिक्स के लिए बाउंड्री से बाहर चली गई। माना जा रहा है कि क्रिकेट में ऐसा पहली बार हुआ है जब बॉलर के सिर से टकराकर सिक्स हुआ हो। जीत ऑकलैंड की तरफ से खेलते हैं। इस मैच में उन्होंने 153 बॉल पर 10 फॉर और 4 सिक्स की मदद से शानदार 149 रन बनाए। उनकी इस पारी की वजह से ऑकलैंड ने कैंटरबरी पर 107 रनों से जीत दर्ज की। न्यूज एजेंसी के मुताबिक ऑकलैंड के ओपनर बैट्समैन जीत रावल ने एंड्रू एलिस की बॉल पर स्ट्रेट ड्राइव लगाया। चोट लगने के बाद कैंटरबरी के कैप्टन एलिस कुछ देर के लिए ग्राउंड से बाहर गए। हालांकि डॉक्टरों ने उन्हें फिट बताया। इसके बाद एलिस ने अपने सिक्स डाउन पर बैटिंग की। उन्हें चोट की वजह से किसी तरह की परेशानी नहीं हुई। न्यूजीलैंड ने अपने प्रेस नोट में बताया कि यह घटना फोर्ड ट्रॉफी के तीसरे प्रीलिमिनरी फाइनल में ऑकलैंड के कॉलिन मेडन पार्क ग्राउंड पर हुई। ऑकलैंड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया था। पारी के 19वें ओवर में बॉल एलिस को दी गई। पहली गेंद पर रावल ने सिक्स मारा। दूसरे गेंद पर भी उन्होंने जोरदार शॉट मारा। बॉल एलिस के सिर से टकराई और फिर बाउंड्री के पार चली गई। इस शॉट पर अंपायर को डिसीजन लेने में कुछ परेशानी हुई। उन्होंने पहले फॉर का इशारा किया लेकिन बाद में अपना डिसीजन बदलकर इसे सिक्स दे दिया।